आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज के किसी मुख्य खबर की ओर। पत्रकार अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आक्रोश भड़कता जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह इकाई ने शहर के टावर चौक पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संगठन के पदाधिकारियों में कुमार गौरव और कृष्णा ने कहा कि अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला कर उद्धव ठाकरे की सरकार ने खुद को हिटलर होने का प्रमाण दिया है। इसका परिणाम महाराष्ट्र सरकार को आने वाले दिनों में भुगतना होगा। संगठन के पदाधिकारियों के नेतृत्व विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शहर के झंडा मैदान से मशाल जुलूस लिए शहर भ्रमण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे की सरकार को लोकतंत्र का हत्यारा बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति को अविलंब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी देनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में अब एक हत्यारे सरकार के हाथों में सत्ता है। वहीं टावर चौक पहुंचकर छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर उद्धव सरकार पर जमकर भड़के। मौके पर कुंदन सिंह, अंकित कुमार, आशीष कुमार, आकाश कुमार, विशाल तिवारी, रोशन राय, विशाल कुमार, आयुष मिश्रा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। गिरिडीह से डिंपल के साथ प्रिंस झा की रिपोर्ट। पत्रकारिता को सीमित किया जा रहा है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत में कहीं ना कहीं आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार से भारत के पत्रकार अर्णब गोस्वामी जी को घर से घसीटते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने ले गया है। ये महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय और बहुत ही असफल कदम है। भारत सरकार से मांग करता हूँ, जिस प्रकार से पत्रकारिता की हत्या की गई है इस देश में, भारत सरकार इस पर कड़े से कड़म कदम ले। भारत के राष्ट्रपति इस पर कड़े से कड़े कदम ले। मांग भारत सरकार से प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति से करती है। जिस प्रकार से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के कर्मी को स्थानीय पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक घर से घसीटते हुए थाना ले गई और उन पर धारा लगाकर जेल में रखने का काम किया गया है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द अर्णब गोस्वामी जी को रिहा किया जाए, नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में बड़े आंदोलन एवं बड़े आंदोलन के रूप में रूपरेखा तैयार करेगी और पूरे देश भर में कार्यक्रम को अंजाम देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक टीवी के जो पत्रकार हैं अर्णब गोस्वामी के साथ जो भी महाराष्ट्र सरकार पर रही है वो सरासर गलत है, क्योंकि इस देश में सभी को राइट टू स्पीच है कि कुछ भी वो हक के लिए कुछ भी बोल सकता है। हमें भी ये लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लगता है कि वो जो बोलते थे वो सच्चाई बोलते थे, इसलिए अगर आज महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है सच्चाई को दबाने के लिए, तो इसी के विरोध में हम लोगों ने ये इनके विरोध में महाराष्ट्र सरकार के विरोध में हमने ये पुतला दहन किया है। तो महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए।